पिछले लेक्चर में अपना कंटिन्यूअस इन नेचर तक हो गया था, अभी आज हम लोग रिपोर्ट जनरेशन से स्टार्ट करेंगे. MIS इज़ यूज नॉट ओनली टू स्टोर डेटा बट इट इज़ आल्सो यूज टू जनरेट रिपोर्ट. तो सिर्फ MIS का यूज़ अपने को डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी होता है. MIS provides specific templates for various type of reporting. अलग अलग type के template मतलब format MIS देता है reporting करने के लिए. फिर accordingly the MIS users can obtain the type of report required. तो MIS यूजर्स आप उनको जो चाहिए वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं. व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द यूजर द सिस्टम कंपाइल्स द रिपोर्ट रिक्वायर्ड इंसर्टिंग द डेटा इनटू द टेम्पलेट एंड देन प्रिंटिंग द रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग. जब यूज़र प्रॉम्प्ट करता है बताता है तो सिस्टम जो इंफॉर्मेशन चाहिए डेटा चाहिए वो इकट्ठा करता है, फिर वो टेम्पलेट में डालता है और फिर रिपोर्ट प्रिंट करता है डिसीजन लेने के लिए. फिर एक्सेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन द MIS फंक्शंस विद ओपन एक्सेस. MIS ये सब जगह ओपन है. ओपन एक्सेस मींस द प्राइमरी MIS कैन बी कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि प्राइमरी MIS जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकता है या कनेक्ट हो सकता है. इट इनेबल्स टू मेक चेंजेस टू डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन. तो इसको अगर कुछ चेंज करने का रहेगा तो कोई भी चेंज कर सकता है और किसी भी लोकेशन से चेंज कर सकता है. दस अ फर्म कैन मेक डिसीजन फ्रॉम अ वाइड एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जो भी इंफॉर्मेशन अपने को मिला है वो डिफरेंट रूट से मिला है, तो ये इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फर्म डिसीजन ले सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MIS इज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन परचेस अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ सिस्टम एंड सब्सिक्वेंटली अपग्रेड इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इफ द फंड्स परमिट. तो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है MIS का, तो इनिशियल स्टेज में एक छोटा वर्जन फर्म परचेस कर सकती है और उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वो अपग्रेड करती है. जैसे पैसे आएंगे तब हम लोग उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं. एज द बिजनेस एक्सपैंड फर्म कैन ऐड इंक्रीज डेटा कैपेबिलिटीज एज वेल एज सिस्टम फ्यूचर टू द इनिशियल सिस्टम. तो जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है फर्म डेटा कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर सकती है और सिस्टम फीचर्स को बढ़ा सकती है, अपने इनिशियल सिस्टम के फीचर्स बढ़ा सकती है. दस द बिजनेस कैन फर्म नीड नॉट परचेज एन एंटायरली न्यू सिस्टम आफ्टर फ्यू ईयर्स. तो जितना ज़रूरत है उतना ही परचेस कर सकता है और थोड़े थोड़े ईयर्स में उनके पास पूरी सिस्टम आ जाएगी. बाद में प्रोफेशनल अप्रोच. There is a need to adopt professional approach towards MIS. तो MIS की ओर काम करने के लिए आपको professional approach से काम करना पड़ेगा. तो organization must select and train the MIS staff. तो organization को staff को select और train MIS staff को select और train करना पड़ेगा. If MIS staff is well trained, the staff members will be able to collect the right data. Analyze proper and transmit systematically to managers to take appropriate decision relating to production, finance, marketing and human resources. So, अगर MIS staff को properly train किया तो staff members
प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस भी प्रॉपर करेंगे और फिर मैनेजर्स को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए और ह्यूमन रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज। देर आर सेवरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन MIS सच एज कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड इंफॉर्मेशन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ MIS में होती है, जैसे डेटा कलेक्ट करना, उसका प्रोसेसिंग करना, फिर स्टोरिंग करना, ट्रांसमिशन करना, ये सब होता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू यूनिफाइड सिस्टम। ये सब एक्टिविटीज़ एक यूनिफाइड सिस्टम में इंटीग्रेट करनी चाहिए। द यूनिफाइड सिस्टम मस्ट बी अ मैनेज एट सेंट्रलाइज प्लेस। तो ये यूनिफाइड सिस्टम एक जगह पे मैनेज होनी चाहिए, सेंट्रलाइज प्लेस पे। इन अदर वर्ड्स, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेस एंड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड एंड स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस। तो दूसरे वर्ड्स में ऐसा कहेंगे कि डिफरेंट इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेस से और मल्टीपल लोकेशन से, तो ये सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह सेंट्रल प्लेस पे रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ऑर्गेनाइज यूज MIS टू स्टोर डेटा। अभी डेटाबेस सिस्टम के टाइप्स देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन MIS यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। द MIS स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन वन ऑफ टू डेटाबेस सिस्टम। दो में से एक डेटाबेस सिस्टम में अपना डेटा रखते हैं। सबसे पहला है रिलेशनल डेटाबेस। इट स्टोर्स इनपुट फ्रॉम अदर सब एंड सब्सिक्वेंटली रिलेट्स टू डेटा थ्रू आउट द सिस्टम। तो ये डेटा यूजर्स से ऑर्गेनाइजेशन लेती है और उसको रिलेट करती है दूसरे लोगों के साथ, पूरे सिस्टम में जो भी लोग हैं उनके साथ ये रिलेट करती है। सब्सिक्वेंटली द डेटा प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन टू टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट सो दैट द यूज़र कैन कंपेयर डेटा। तो उसके बाद क्या होता है, डेटा का जो फॉर्म है वो टेबल में होता है, ग्राफ्स में या चार्ट्स में होता है, जिससे लोग उस डेटा को कंपेयर करते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस है। दूसरा है हायरार्किकल डेटाबेस। अब ये हायरार्किकल डेटाबेस है, इट स्टोर्स डेटा इन द ऑर्डर दैट इज़ रिसीव्ड। जैसे मिलता है वैसे रिसीव करता है, बट प्रोवाइड्स नो कंपैरिजन। लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या टेबल या चार्ट बनाने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। MIS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो MIS अपने को ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। फॉर इंस्टेंस, इफ द मार्केटिंग मैनेजर नीड्स इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस रिलेटिंग टू सेल्स प्रमोशन, MIS would provide relevant data and in respect of discount, exchange offer, free sample gift, etc. so that the marketing manager can make appropriate sales promotion decision. तो अगर sales promotion के लिए data चाहिए रहेगा तो MIS discount के लिए जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा, या एक्सचेंज ऑफर के लिए, एक्सचेंज ऑफर फ्री सैंपल, उसके लिए जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा वो उसको दे देगा। सो दैट मैनेजर कैन मेक अप्रोप्रिएट सेल्स प्रमोशन डिसीजन। जिससे क्या होगा, मैनेजर अप्रोप्रिएट सेल्स डिसीजन ले पाएगा। आप क्या करो, इधर तक पढ़ो।
आगे पढ़ते हैं। टाइमली इंफॉर्मेशन, MIS provides timely and accurate data so as to enable the managers to take timely decision. तो MIS timely और accurate data देता है ताकि managers effective timely decision ले सकते हैं. This is because there is a continuous collection and processing of relevant data relating to all functional areas, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, HRM एंड फाइनेंस. तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते हैं जो फंक्शनल ऑपरेशंस, जो मार्केटिंग, HRM और फाइनेंस से रिलेटेड जो डेटा रहता है उसका कंटिन्यूस प्रोसेसिंग, कंटिन्यूस कलेक्शन और प्रोसेसिंग चलता रहता है. नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ओरिएंटेड. MIS बीइंग डिजाइन इन द व्यू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. तो MIS को कलेक्ट किया जाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके डेटा कलेक्ट किया जाता है. देयरफॉर MIS प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन फ्यूचर डिसीजंस कैन बी टेकन. तो इसके लिए MIS फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर बेस किया जाता है, तो जिससे अपने को डिसीजन लेना पॉसिबल होता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ MIS. अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट्स: पीपल, प्रोसीजर, डेटा, रिसोर्स, नेटवर्क रिसोर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दिस 6 कंपोनेंट्स इंटीग्रेट टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फीडबैक एंड कंट्रोल सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी एक एक पॉइंट देखते हैं. सबसे पहला है पीपल. पीपल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर्स, सपोर्ट स्टाफ टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम स्पेशलिस्ट एंड एंड यूजर्स. तो इसमें कौन कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, बाद में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम स्पेशलिस्ट है, तो ये सब होते हैं. अभी ये कंप्यूटर ऑपरेटर कौन है? इज द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर डिवाइस. जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है वो कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर है. ही फीड्स द डेटा एंड रिट्राइव ओपन द प्रोसेस डेटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. वो डेटा फीड करता है और जब चाहिए वो ओपन करता है. जब भी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है ओपन करने के लिए तो डेटा ओपन करता है. He may contact the support staff or system specialist for smooth functioning of the computer system. अगर कुछ problem आ रहा है तो वो support staff या system specialist को contact कर सकता है smooth functioning के लिए. The support staff are responsible for monitoring the computer system for smooth functioning. अभी ये जो support staff है ये responsible है कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली फंक्शन करने के लिए, और सो दैट द कंप्यूटर डिवाइस ऑपरेटर ऑपरेट्स द कंप्यूटर विदाउट प्रॉब्लम. तो कंप्यूटर ऑपरेटर बिना कुछ प्रॉब्लम वो ऑपरेट कर सकता है. अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर नेटवर्क अप टू डेट एंड रनिंग स्मूथली. तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि कंप्यूटर का नेटवर्क अप टू डेट और स्मूथली चलना चाहिए. इसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जवाबदार रहता है. एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस मल्टीपल कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स नीड्स अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट सिस्टम. जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग सिस्टम हैंडल करने के लिए. कंप्यूटर सिस्टम स्पेशलाइज्ड वर्क्स इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर कंप्यूटर सपोर्ट. अब ये सिस्टम स्पेशलिस्ट क्या करता है? टेक्निकल सपोर्ट देता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए.
ही हैज़ कम्प्लीट टेक्निकल नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑपरेशंस, उसको सिस्टम ऑपरेशंस का पूरा नॉलेज होता है. ही मे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटर्स, वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दे सकता है. द एंड यूजर्स आर द पीपल हु यूज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और द इंफॉर्मेशन इट प्रोड्यूस. अभी एंड यूजर्स कौन है, ये लोग है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं और द जो भी वो खुद इंफॉर्मेशन बनाते हैं या इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं वो एंड यूजर्स है. द एंड यूजर्स कैन बी मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, सेल्स पर्सन्स, इंजीनियर्स, क्लर्क एंड कस्टमर. अभी ये एंड यूजर्स कौन होंगे, मैनेजर्स है, अकाउंटेंट्स है, सेल्स पर्सन्स, इंजीनियर, क्लर्क और कस्टमर. द एंड यूजर्स यूज द प्रोसेस डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. अभी ये जो एंड यूजर्स है ये डेटा यूज़ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर. प्रोसीजर रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो प्रोसीजर मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर रहते हैं. प्रोसीजर कैन बी लेट डाउन बाय द मैनेजमेंट आइदर ऑन देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट. तो ये प्रोसीजर मैनेजमेंट खुद बता सकते हैं या उनके कंसल्टेंट्स के जरिए बता सकते हैं. प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोसीजर है ये ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है. आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस मीन्स प्रोसीजर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है प्रोसीजर ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होती है. फॉर इंस्टेंस, अ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, ओपनिंग अ न्यू अकाउंट, सैंक्शनिंग लोन एक्सेट्रा. तो अगर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उसका अपना एक प्रोसीजर रहेगा पर्सनल सिलेक्शन के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए, लोन सैंक्शनिंग के लिए एक प्रोसीजर रहेगा. वेयर एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे हैव इट्स ओन प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अपना एक अलग एक प्रोसेस रहेगा एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, या जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगे या ऑफलाइन एप्लीकेशंस होंगे. फिर टीचर्स का सिलेक्शन होगा जिसमें डेमो लेक्चर लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. फिर एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए सॉफ्टवेयर रहेगा, असेसमेंट ऑफ पेपर्स के लिए सॉफ्टवेयर रहेगा. तो
और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग प्रोसीजर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग प्रोसीजर है। प्रोसीजर में वैरी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोसीजर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंडीशन ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, रॉ मटेरियल के क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या मशीनरी के कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, कितना यूनिट्स बेचना है, फिर कौन सा मार्केट एरियाज है जिधर हम लोग गुड्स बेच सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। देयरफॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैव टू लेट डाउन देयर प्रोसीजर इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग प्रोसीजर जो बतानी है, अलग अलग तरीके से बतानी है, सो दैट MIS कैन हेल्प इन रिट्राइंग द डेटा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो इसके कारण MIS जो है, जो भी डिपार्टमेंट की जैसी नीड रहेगी वैसा डेटा MIS उनको निकाल के देगा। ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।